अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज। राजगढ़ की दवा दुकानें बुधवार से 3 दिनों के लिए बंद रहेगी। मंगलवार को बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच वार्ता का प्रयास विफल हो गया। संघ ने विभाग से पहले अपनी मांगों को मनाने की घोषणा करने की बात कही। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग के पदाधिकारियों ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से वार्ता के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जा सके। उन्होंने इस बंद से अस्पतालों की दवा दुकानें और इमरजेंसी दवाओं की आपूर्ति को फिलहाल मुक्त रखा गया। संघ ने विभाग को चेतावनी दी कि अगर दवा दुकानदारों के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की गई अथवा अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। वहीं संघ की प्रमुख मांगों में फार्मासिस्ट की समस्याओं के समाधान होने तक पूर्व की व्यवस्था लागू रहने देने, दवा दुकानदारों को लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पर रोक, दवा दुकानों की निरीक्षण में एकरूपता और पारदर्शिता रहने, विभागीय निरीक्षण के दौरान उत्पीड़न पर रोक आदि शामिल है। मांगे हम लोग का फार्मासिस्ट समस्या, मुख्य मांगे फार्मासिस्ट समस्या है। बिहार में फार्मासिस्ट की कमी है और दुकानें हैं करीब करीब 35 से 40 हज़ार और बिहार में फार्मासिस्ट है करीब करीब 7 हज़ार, तो बाकी दुकानें तो हमारी बंद हो जाएगी। जो हम लोग बरसों से दुकानदारी कर रहे हैं, अपना पेट भरण पोषण कर रहे हैं परिवार का, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम जो भी पुराने दुकानदार हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए या कौशल विकास के थ्रू या फार्मासिस्ट कॉलेज खोल के हम लोग को प्रशिक्षित किया जाए ताकि हम लोग अपने अपने दुकान को